जिंदा पीरों के पास लोग कम जाते हैं, जो दुनिया से चले गए उनके पास ज्यादा जाते हैं। पता नहीं आप बुजुर्ग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे नहीं, लेकिन इंतहा अदब से गुजारिश है। मैं उसका जवाब अर्ज करते हैं, वजह माकूल है। बलम्बाउरा वली था कि नहीं था? था ना, कुरान मजीद के रिकॉर्ड के मुताबिक वो वली था ना, काफिर होके मरा कि नहीं मरा? इसका मतलब यह है कि नबूवत काबिले इन्फिकाक वसफ है, वलायत इन्फिकाक पजीर हो सकती है, वलायत मिल भी सकती है, जा भी सकती है, है? नबी से टक्कर ले गया ना, और उसे कोई नमाज रोजे में कोई इबादत में तो फर्क नहीं किया था ना, अदब का फर्क। तो पता चला सारे अमाल के होते हुए अकीदे की फर्क से मारा गया। कहते हो अकीदे की कोई हैसियत नहीं है, अमल से जिंदगी बनती। अल्लामा मरहूम ने कहा यह मेरे दौरे जालत का शेर है, आखिर का उसका जो शेर है वो खे शराब मुस्तफा मेरे संग के दी हम आउस अगर बउल रसीदी तमाम पूला भी। अपने आप को बारगाह रसालत वहां पे पहुंचा, वहां पहुंचा सका तो दीनदार हो गया, रह गया तो बेईमान हो गया। तो जिस वक्त बलम्बाउरा ने बेअदबी की तो जुबरा कुफार में हुआ कि ना हुआ, अगर चीज में खिलाफ हो लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो काफिर होकर के मरा। ऐसी मुझे पता है मैं दूसरे की कंधे पर बंदूक तो रख सकता ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वलायत मिल भी सकती है, छीन भी सकती है, लेकिन जिस वक्त वो मर गया तो उसकी इंश्योरेंस हो गई। अब जो मिली थी ना अब नहीं जाया हो गई। अब वो कहते हैं कि अब फराक दिली से जाए क्योंकि वो डर जाता रहा कि तू कभी फिसलेगा नहीं। देखते हो दौरे हाजिर के आस्थानों से जो बोलियां बोली जा रही हैं, कल तक इब्ने तैमिया को आलुल्ला क्या क्या कहते रहे, आज उसको तुल्ला अला कह रहे हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नईमी को कल क्या क्या आलुल्ला कहा करते थे, आज उनकी औलादों में से नए लोग जो हैं वो क्या क्या शाने उनकी बयान कर रहे हैं। इसलिए वो जिंदा लोगों के पास जाने में कोताही करते हैं कि मुमकिन है कल किसी तरफ से चढ़ावा चढ़ जाए तो ये बोली बदल ले। पहले न सूझती थी ये चालें सबा तुझे, वे सनम की लग गई शायद हवा।